मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक प्रमुख ऐतिहासिक व गौरवशाली जिला है। प्राचीन काल में मैनपुरी पर चौहान शासकों का राज था। उसके द्वारा बनाए गए अनेक किले व मंदिर आज भी मैनपुरी जिला में मौजूद हैं। बाद में इस क्षेत्र पर मराठों और अवध के कई सारे राजाओं ने इस स्थान पर राज किया। दोस्तों, मैनपुरी जिला ने कई सारे राजाओं के रियासत व पतन की गवाही देती है। दोस्तों, मैनपुरी जिला में अगर जाति धर्म के आधार पर देखा जाए तो इस मैनपुरी जिला में 93% हिंदू धर्म के लोग तथा 5% मुसलमान धर्म के लोग निवास करते हैं। 2760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ इस मैनपुरी जिला की जो कुल आबादी है 21,31,000 है। दोस्तों, 21,31,000 में 11,33,000 पुरुष तथा 9,98,000 महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, मैनपुरी जिला में अगर औसत लिंग अनुपात देखा जाए तो इस जिला में 876 है, यानी कि 1,000 पुरुष पे 876 महिला मौजूद हैं। और मैनपुरी जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें फारुखाबाद जिला, कन्नौज जिला, फिरोजाबाद जिला और इटावा जिला शामिल है। दोस्तों, अगर मैनपुरी जिला में यातायात की बात करें तो इस मैनपुरी जिला में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, यानी कि ये तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप इस मैनपुरी जिला में आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, मैनपुरी जिला अपने कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं इस जिला की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि वह कौन सा खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसके बिना यह मैनपुरी जिला अधूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, नंबर एक पर है महाराजा तेज सिंह चौहान का किला। चौहान वंश ने मैनपुरी पर शासन किया। कई शासकों में से एक महाराजा तेज सिंह चौहान थे। चौहान शासकों के अंतिम शासक चौहान तेज सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। महाराजा तेज सिंह चौहान ने एक किले का निर्माण करवाया था जो उनके नाम पर ही है, और यह किला प्राचीन वस्तु का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर दो पर है समान अभयारण्य। यह अभयारण्य लगभग 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य का मुख्य उपदेश प्राकृतिक पक्षियों का जीवन का रक्षा करना है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहती हैं जिनको देखने के लिए हमेशा यहाँ लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा इस जिला में और सभी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसको एक वीडियो में बताना असंभव है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैनपुरी जिला में 6 तहसील, 9 ब्लॉक, 14 पुलिस स्टेशन और 868 गांव शामिल है। दोस्तों, आपको यह मैनपुरी जिला की जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।